यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी द वेक्टर सच दैट मॉड ए इक्वल टू टू मॉड बी इक्वल टू थ्री. इस तरह का क्वेश्चन याद होगा आपने करा था जिसमें यूनिट वेक्टर दिया था, हमने क्लास में कवर किया था. इनफैक्ट सेम ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी जीरो देन द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट. सबसे पहले अगर इसको कम समय में करना है तो आपको पता है हमने कैसे करा था, इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ. तो क्या मिलेगा आपको, देखिए आपको मिलेगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर. समझाने के लिए स्टेप लिखिए मॉड सी स्क्वायर आप डायरेक्ट करिएगा टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू जीरो का स्क्वायर जीरो. अब देखिए ये दिए हुए हैं हमको, तो आप डायरेक्टली 9 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो पूछा है वो इक्वल टू जीरो. इसको ऐड करिए 38 बाय 2 मीन्स माइनस 19 इज द राइट आंसर. राइट, बाकी क्या करा हमने, ये 38 हुआ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू जीरो देन ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस ऑफ 19. नोट डाउन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है, इफ ये मैं ए आई प्लस जे प्लस के कॉमा आई प्लस जे प्लस सी के ब्रैकेट में मेंशन है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी आर कोप्लानर देन द वैल्यू ऑफ 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी. अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में बोनस मार्क्स है, एग्जाम में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपको बी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये टू वैक्टर दिए. लॉजिकली एक और बीच का वैक्टर था जो देना भूल गए, वो आई प्लस बी जे प्लस ऑफ सी के. जब आप इस क्वेश्चन को सी के नहीं प्लस के ओनली जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, कोप्लानर बोला है तो अगर ये होता है ऐसा तो कोप्लानर की कंडीशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो. तो आप ए वन 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 बी वन 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 सी इक्वल टू जीरो से इक्वेट करते तो ये कंडीशन मिलती, पर ये अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसे कैंसिल कंसिडर करेंगे, यानी बोनस मार्क्स आपको इसमें मिलने वाले हैं. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है. इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो मॉड ए मॉड बी मॉड सी दिया देन द एंगल बिटवीन बी एंड सी. अगर बी एंड सी का एंगल बोला है तो बी एंड सी को यहीं पे छोड़ के आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किसी भी वैक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलर स्क्वायर के इक्वल होता है. देयरफॉर हमने इसका स्क्वायर किया तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर. तो ये हुआ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस टू बी डॉट सी इक्वल टू ए वैक्टर स्क्वायर. वैक्टर स्क्वायर मॉडुलर स्क्वायर के इक्वल होता है तो बी का स्क्वायर 25 सी का स्क्वायर 9 प्लस टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इन टू कॉस थीटा जो पूछा और ए का स्क्वायर इज 49. राइट 9 प्लस 25 34 तो मिला 15 तो 2 इंटू 5 इंटू 3 कॉस थीटा इक्वल टू 15 तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इक्वल टू पाई बाई 3. नोट डाउन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन. सेंटर ओरिजिन है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 6, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 6 मीन्स 2 इक्वल टू 6 एंड द फोकस एट 0.4. फोकस एट 0.4, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा हाइपरबोला में प्लस आंसर नहीं होता तो ये टू आंसर तो होंगे ही नहीं, अब या तो बी है या डी है. अब आपसे क्या मिस्टेक होगी बताऊंगा, फोकस 0.4 से समझ में आ जाना चाहिए कि वर्टिकल हाइपरबोला है. राइट ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था कि वर्टिकल हाइपरबोला है. ये हो गया 0.4, मतलब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. अगर हम देखें तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस. अच्छा ए की वैल्यू कितनी दी है 3, तो करेक्ट आंसर इज बी. पूरे करने की जरूरत ही नहीं थी, इतने में ही सॉल्व हो गया. ये छोटी छोटी चीज़ें अगर क्लिक कर गई पेपर में आपका बहुत टाइम सेव होता है. राइट अब यहाँ पर हम समझें, ए 3 हो गया और ए ई इक्वल टू 4 है, फोकाई होती ए ई, तो ई इक्वल टू हो गया 4/3 तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. ए स्क्वायर इज 9 इंटू 16/9 माइनस 1 मीन्स 7. तो बी स्क्वायर आ गया 7, ए स्क्वायर आ गया 9, तो इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 1. राइट नोट डाउन दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या दिया, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर. कितना सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ पढ़ाए हुए पोर्शन में से आया हुआ है. राइट डायरेक्शन कोसाइन कभी भी बोले तो डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको बताया हुआ है, ओपी वेक्टर अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो
तो आप बस इसका मॉड ले लीजिए, मीन जिसे हम आर बोलते हैं, और कॉस अल्फा क्या समझाने के लिए बता रहा हूँ, आर कॉस बीटा वाई अपॉन आर कॉस गामा जेड अपॉन आर, राइट। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो इसका मॉड क्या हुआ, रूट 4 प्लस 1 प्लस 25 मीन्स रूट 30, तो बस हो गया, ऑप्शन भी वही दिया है, माइनस 2 बाय रूट 30, 1 बाय रूट 30 एंड माइनस 5 बाय रूट 30, तो करेक्ट आंसर विल बी माइनस 2 बाय रूट 30, 1 बाय रूट 30, डी दिल्ली, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू 2x sin x एट द पॉइंट पाई बाई 2 कॉमा पाई, अगर इसको हम ऑप्शन से करना चाहें तो पाई y की जगह रखिएगा पाई, पाई बाई 2 रखा, यही करेक्ट आंसर है, राइट। देख के समझ में आ गया क्योंकि आपने ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मैथड से करते तो आपको पता है। देखिए क्वेश्चन को पहले हमारा अप्रोच होना चाहिए सॉल्व करना, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ट्रिक के साथ सॉल्यूशन इसलिए बता रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट बने कि अगर कभी भूल जाएं तो क्या, पर क्वेश्चन को कैच कैसे करना, मिनिमम टाइम में कैसे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और हमने इसी तरह से क्लास में भी स्टडी करी और इसी ढंग से हमने पढ़ाई की। देखिए डी वाई बाई डी एक्स करें हम तो क्या आएगा, 2 फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड साइन एक्स, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूँ डी वाई बाई डी एक्स एट पाई बाई 2 कॉमा पाई निकालें तो क्या होता है, 2 देखिए पाई बाई 2 रखते x की जगह पाई बाई 2 तो 0, यहाँ रखते तो 1, तो कितना आ गया 2, स्लोप 2 है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस वाई 1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स 1, तो y माइनस पाई इक्वल टू 2x माइनस पाई, देखिए पाई से पाई कैंसिल, तो y इक्वल टू 2x इज अ राइट आंसर, राइट, नो डाउट।